भाई साहब हम डेली यहाँ पे रूटीन में काम करते हैं, घोड़ा रेड़ा यहाँ पे साइड पे चला रहा है जो भाई साहब बयान दे रहे हैं। यहाँ पे रोड पे हम कभी भी साधन नहीं खड़ा करते हैं क्योंकि साधन आते हैं और अपनी साइड में चल रहा है। आपको रोड के उस साइड कुछ भी दिखाई दे रहा तो देख सकते हैं। और इतनी जोर से गाड़ी लगी है कि ऑन द स्पॉट घोड़ा मर चुका है, गाड़ी टूट चुकी है और गाड़ी कहाँ बढ़ रही है। गाड़ी कोई रोड पे नहीं खड़ी थी, डेली रूटीन में काम करते हैं। और बस वाले की बहुत ज्यादा स्पीड थी क्योंकि बस भी डैमेज हो पड़ी आगे से, सारी बस टूट गई है। बस का स्टेयरिंग बस लगभग 60-65 की स्पीड से आराम से लग रही है क्योंकि जिस तरह से ऑन द स्पॉट ये हॉर्स मर चुका है और जो चला रहा था चालक वो भी बहुत दूर जाके गिरा और उसके काफी चोटें आई हैं। क्या 112 को कॉल कर दिया आपने? हाँ, मैंने एम्बुलेंस 112 को कॉल कर चुका हूँ और एम्बुलेंस और 112 आने वाली है बस। और उसके कितनी चोट आई है? काफी चोट आई है उसके, ये मोड़ा नहीं काम कर रहा और ये साइड की लात ये सारी मतलब काफी चोट आई है सर। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? हम तो इंसाफ ही चाहते हैं क्योंकि आप देख लो 1,00,000 रुपए की तो ये पशु की डेथ होगी। और ये कितने स्पीड में जो आप बस थी और वो क्या बस वाले ने रोक ली थी, भाग गया था? बस वाला ड्राइवर यहाँ पे नहीं मिला ऑन द स्पॉट, बस वाला ड्राइवर अभी भी नहीं है कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है ड्राइवर कहाँ नहीं है। ये मामला एक धुंध के कारण खच्चर रेडी और बस का एक्सीडेंट है जिसमें खच्चर मर गया और जो घायल व्यक्ति था उसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। ये एक्सीडेंट अपने रंगड़ी रोड पे, भट्ठे के पास, और आगामी कार्रवाई अपने पीएस सदर सिरसा करेगा।